हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बात होगी नीलम की। जी हाँ, 80 के दशक में नीलम जो है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हुआ करती थी। गोविंदा के साथ उनकी बहुत सारी फिल्में आईं और इस ज़्यादातर फिल्में हिट भी रहीं। 1984 में फिल्म जवानी से उनका करियर शुरू हुआ था। पहली फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन गोविंदा के साथ जो उनकी फिल्म इल्ज़ाम आई थी, उसके बाद जो है नीलम बॉलीवुड में छा गई। आपको बताएं कि नीलम जो है उनका जन्म हुआ था हांगकांग में। 9 नवंबर 1969 को उनका हांगकांग में जन्म हुआ और वो जो है 91वां जन्मदिन अपना मना रही हैं। मुंबई वो अपनी दादी से मिलने आई थी और तभी उनके पड़ोस में जो है फिल्म मेकर रमेश बहल रहते थे और वो अपनी फिल्म जवानी के लिए किसी फ्रेश चेहरे को ढूंढ रहे थे। और उनकी नज़र जब नीलम पे पड़ी तो उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जो उनकी फिल्म की हीरोइन बन सकती है। उन्होंने नीलम को फिल्म ऑफर कर दी। नीलम को भी लगा कि ये बिल्कुल कुछ नया चीज़ है उनकी लाइफ में, उनको ये काम करना चाहिए और उन्होंने वो फिल्म साइन कर ली, फिल्म में काम किया। और फिल्म बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन इसके बाद नीलम की चर्चा हुई और उनको बॉलीवुड में फिल्में मिलनी शुरू हुई और गोविंदा के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें से हत्या, लव 86, खुद गर्ज और भी तमाम फिल्में थी जिसमें इन दोनों की जोड़ी को जो है बहुत पसंद किया गया। और गोविंदा के साथ नीलम का जो है अफेयर की भी खबरें आईं। उस वक्त गोविंदा की लाइफ में एक तरफ सुनीता थी, जिनसे उनकी मम्मी जो है उनकी शादी करवाना चाह रही थी, तो दूसरी तरफ वो नीलम पे भी उनका दिल आया था। वो चाहते थे कि नीलम के साथ जो है उनकी शादी हो, लेकिन कुछ ऐसा था कि मम्मी की बात मानते हुए फाइनली उनको सुनीता से शादी करनी पड़ी और नीलम जो है उनकी लाइफ में, उनकी जहन में बनी रही। बहुत सारी फिल्मों में दोनों का साथ रहा, लेकिन बाद के दिनों में जो है नीलम से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया और फिर नीलम की का नाम जो है बॉबी देओल से जुड़ा। बॉबी देओल भी नीलम को लेकर बहुत सीरियस थे और नीलम भी चाहती थी कि बॉबी देओल से उनकी शादी हो। करीब 4-5 साल तक दोनों का अफेयर रहा, लेकिन कहा जाता है कि धर्मेंद्र को ये रिश्ता बहुत पसंद नहीं था और उन्होंने अपने बेटे को अल्टीमेटम दे दिया कि आप ये शादी नहीं करोगे, ये रिश्ता जो है शादी का रूप नहीं ले सकती। फाइनली यहाँ भी नीलम का ब्रेकअप हो गया। 2 ब्रेकअप के बाद जो है नीलम ने फाइनली शादी कर ली और उन्होंने ऋषि सेठिया, जो कि यूके के बिजनेसमैन थे, उनसे शादी रचाई। लेकिन वो शादी भी बहुत लंबी नहीं चली। 2 साल बाद ही उनके पति से डिवोर्स हो गया। इसके बाद नीलम जो है उनकी लाइफ में 2011 में समीर सोनी आए। समीर सोनी की भी पहली शादी असफल रही थी, नीलम की भी पहली शादी असफल रही और उसके बाद उन्होंने 2011 में शादी की और अब जो है उनकी एक बेटी है। उन दोनों ने, कपल ने शादी के दो साल बाद आहना नाम की एक बच्ची को गोद लिया और आहना के साथ वो लोग दोनों रह रहे हैं। नीलम के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने सलमान खान के साथ भी कई फिल्में की। एक लड़का एक लड़की फिल्म में वो सलमान की हीरोइन थी। तो फिर अफसाना प्यार का में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया। 90 के दशक में जो है नीलम का करियर उतना अच्छा नहीं रहा जितना 80 के दशक में गोविंदा के साथ और उस दौर के तमाम एक्टर्स जो भी थे, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, तमाम एक्टर्स के साथ उन्होंने फिल्में की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ पसंद की गई। दोनों के गाने बहुत हिट हुए। चंकी पांडे के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। तो बाद के दिनों में उनका करियर थोड़ा ढलान पे आ गया। कभी उन्होंने सलमान की हीरोइन जो है एक लड़का एक लड़की फिल्म में सलमान की हीरोइन का रोल किया था, लेकिन जब हम साथ साथ हैं फिल्म आई थी 1999 में, तब उनको सलमान की बहन का रोल मिला। तो बाद के दिनों में जब उनका करियर जो है उतना अच्छा नहीं रहा तो उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद जो है बॉलीवुड से को अलविदा कह दिया। अब नीलम जो है फिल्मों में नजर नहीं आती। अब उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग को जो है अपना प्रोफेशन बना लिया है। फिल्मों से दूर है लेकिन लाइमलाइट में रहती है, क्योंकि एक बार वो कभी ना कभी वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं बॉलीवुड की जो पार्टीज हैं उसमें भी नीलम आए दिन दिखती हैं। तो नीलम भले ही 51 साल की हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखा है, अपने फिटनेस को मेंटेन रखा है और आज भी जो उनके तमाम फैंस हैं 80 के दशक के, उनके वो तमाम खूबसूरत गाने, वो उनकी फिल्में, उन सबको याद करते हैं। हमारी तरफ से नीलम को उनके बर्थडे पर ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग,
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।